में खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज से उदयपुर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम गहलोत इस दौरान उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुबह 11:15 पर सीएम सबसे पहले उदयपुर पहुंचेंगे। 11:30 बजे बलीचा स्थित गौड़ मंडी में किसान महोत्सव का आगाज करेंगे। सीएम गहलोत कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ कर स्मार्ट फार्मिंग का अवलोकन करेंगे, साथ ही किसान महोत्सव को संबोधित करेंगे। विभिन्न जिलों से लाभार्थी इस दौरान जो है वो पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ा तमाम अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम गहलोत आज से उदयपुर संभाग के 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे, मतलब आने वाले 3 दिन तक वो उदयपुर संभाग में ही रहेंगे। इस दौरान सीएम गहलोत उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सुबह 11:15 बजे सीएम सबसे पहले उदयपुर पहुंचेंगे। 11:30 बजे बलीचा के गौड़ मंडी में किसान महोत्सव का आगाज होना है। सीएम गहलोत कृषि प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे, स्मार्ट फार्मिंग का अवलोकन करेंगे, साथ ही किसान महोत्सव को भी संबोधित करेंगे। इसमें विभिन्न जिलों से किसान और लाभार्थी जो है वो पहुंचेंगे, जिनसे मुख्यमंत्री संवाद करेंगे, उनसे इंटरेक्ट होंगे। तो ये इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी हुई, उनकी मूवमेंट से जुड़ी हुई आज जो हम देखेंगे। 3 दिन के उदयपुर संभाग के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। आपको बता दें इस दौरान उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में 3 जिलों को कवर करेंगे उदयपुर संभाग के अंदर, और कई सारे कार्यक्रम इस बीच में रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के, और इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत जो है वो उदयपुर से हो रही है। 11:15 बजे उदयपुर में लैंड कर जाएंगे मुख्यमंत्री, और 11:30 के बाद जो है यहाँ पर किसान महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत इत्यादि होनी है। इसमें इसके शुभारंभ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री दरअसल पहुंच रहे हैं, और इसमें बड़े पैमाने पर जो है किसान लाभार्थी पहुंचेंगे, जो सरकार की योजनाओं से जो किसान लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं वो सभी पहुंचेंगे। उन सभी से मुख्यमंत्री की मुलाकात, मेल मिलाप ये हम देखेंगे। साथ ही साथ में एक कृषि प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है, जिसमें आधुनिक खेती के बारे में जानकारियाँ किसानों को दी जाएंगी। शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर बातचीत के लिए कनेक्ट हो गए। शशि, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में ताबड़तोड़ 3 जगहों पर मुख्यमंत्री के ये दौरे अगले 3 दिनों तक देखने को मिलेंगे, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं मुख्यमंत्री के, बताएं और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? आशीष, मुख्यमंत्री के दौरे तो बहुत महत्वपूर्ण है, और आप देखें तो पिछले 2 महीने में मुख्यमंत्री का यह 4था दौरा है उदयपुर संभाग का। लगातार उनके दौरे रहे हैं, कभी राजसमंद, कभी डूंगरपुर, कभी बांसवाड़ा। पिछले दौरे में तो आप देखिए उदयपुर संभाग के 6 में से 5 जिलों को सीएम अशोक गहलोत ने कवर किया। इस बार 3 जिलों को कवर कर रहे हैं। आज उदयपुर में है, उसके बाद आज ही दोपहर में डूंगरपुर जाएंगे, फिर कल चित्तौड़ में उनका कार्यक्रम रहेगा, परसों कोटा में उनका, बूंदी कोटा में कार्यक्रम रहेगा, हाड़ौती संभाग में भी कार्यक्रम रहेगा। दरअसल आज कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यक्रम है, जहां नई कृषि मंडी हुई है, व्यापारियों को दुकानें अलॉट कर दी गई हैं। 466 व्यापारियों को दुकानें अलॉट की गई हैं 758 दुकानों में से, और ये एक नई शुरुआत है। जो कृषि उपज मंडी पुरानी थी उदयपुर से, उसके साथ में एक नई कृषि मंडी बनाई गई है, जिससे किसानों को, व्यापारियों को सहूलियत हो सके। शहर से थोड़ा बाहर है, जिससे ट्रैफिक की जो परेशानी आती है वो भी नहीं आए। और डूंगरपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंप का जायजा लेंगे, शाम को अलग अलग कार्यक्रमों में, स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। लेकिन सीधी कोशिश है लोगों से कनेक्शन स्थापित करने की, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्टाइल रही है। आप देखिए हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो लोगों के बीच जाते हैं, किसी कार्यक्रम में उतरते हैं तो लोगों के बीच जाते हैं, सभा के समापन के बाद लोगों के बीच जाते हैं, तो कनेक्शन सीधा स्थापित होना चाहिए, ये उनका मानना रहा होगा। और चुनावी वर्ष में जनता से जितना मजबूत कनेक्शन होगा, जनता जितना अपने करीब किसी नेता को मानती है, उतना ही उस नेता को पसंद करने लगती है, और नेता की पसंद अगर बढ़ती है तो वो वोट में भी कन्वर्ट होती है, और सारी गणित है वोट के लिए। लगातार मुख्यमंत्री के दौरे आप देखेंगे, ये बात सही है कि उदयपुर संभाग पर ज्यादा फोकस रहा है, यहाँ 28 सीटें हैं। आमतौर पर ऐसी मान्यता रही है कि जो उदयपुर संभाग में पार्टी बढ़त बनाती है वो प्रदेश की सत्ता में बनाती है। हालांकि इस बार अलग अलग जगह से, मारवाड़ से और दूसरी जगहों से, पूर्वी राजस्थान से कांग्रेस को मजबूत बढ़त मिली, और यही कारण है आप देखते हैं कि पूर्वी राजस्थान से मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन
मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि प्रदेश के हर जिले में उनके दौरे हों, हर जिले में पार्टी में सक्रियता आए, सरकार का मैसेज जाए, गुड गवर्नेंस का मैसेज जाए और महंगाई राहत कैंप के जरिए लोगों को रिलीफ देने की कोशिश जो सरकार ने की है उसका सही तरीके से प्रचार प्रसार हो सके। क्योंकि जब मुख्यमंत्री किसी जिले में जाते हैं तो वहाँ की मशीनरी भी सक्रिय होती है, लोगों का काम के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। ये आपने देखा कि 7 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड बन चुके हैं जी। भले ही महंगाई राहत कैंप में बनने वाले गारंटी कार्ड की रफ्तार में थोड़ी कमी आई हो, लेकिन सरकार का लगातार इस पर फोकस है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। तो आज मुख्यमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम आएंगे, एक सलूम्बर में महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री के अभिनंदन का, स्वागत का, जहाँ नया जिला सलूम्बर को बनाए जाने के बाद में मुख्यमंत्री पहली बार आ रहे हैं। किसानों पर भी फोकस है, 15,000 करोड़ कर्ज माफी की बात हर मंच से मुख्यमंत्री करते हैं किसानों के लिए, किसानों के हितों की बात होती है। खैर, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए शशि। तो सीएम गहलोत का ये 3 दिवसीय दौरा है, पूरी जानकारी हमारे सहयोगी शशि दे रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण ये दौरा है चुनाव के लिहाज से भी और मौजूदा परिदृश्य में भी। तो ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का। उदयपुर 11:15 बजे पहुंच जाएंगे, उसके बाद में तमाम कार्यक्रम हम देखेंगे। बड़ी चीज़ है कि किसान महोत्सव जैसा कि हमने जयपुर में देखा 3 दिवसीय, वैसा ही यहाँ पर भी किसान महोत्सव जो है वो शुरू होने जा रहा है। कृषि प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी, मुख्यमंत्री इसके उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे उदयपुर। इस बीच